हे व्हाट्स अप गाइस, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं टेकी लेंस। अगर आपको याद होगा कुछ दिनों पहले मैंने ASUS ZenFone मैक्स प्रो M2 के बारे में वीडियो बनाई थी, लेकिन उस वीडियो में सिर्फ यही पता चला था कि ये फ़ोन आने वाला है और कुछ भी नहीं पता चला था। लेकिन आज फाइनली मेरे पास सारे के सारे स्पेसिफिकेशन है ASUS ZenFone मैक्स प्रो के बारे में, इसकी प्राइस, स्पेसिफिकेशन, लॉन्च डेट, सब कुछ मेरे पास है जो मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो देखने के बाद आप मेरे को कॉमेंट सेक्शन में बताइए आपको ASUS ZenFone Max Pro M2 के बारे में क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा, और आप मेरे को ये भी बताएंगे कि क्या ये फ़ोन Realme 2 Pro को बीट कर पाएगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे चैनल से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। एंड दैट्स बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले डिजाइन के बारे में बात करते हैं तो इसमें आपको मिलेगा 6.2 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले 19:9 के रेशियो के साथ। तो ये तो कंफर्म है कि आपको डिस्प्ले में नॉच देखने को मिलेगी और डिस्प्ले में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन भी मिल जाएगा। अब लुक के बारे में इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते क्योंकि अभी तो बस एक ही इमेज सामने निकल के आई है, वो भी डार्क है। ये फ़ोन आएगा स्नैपड्रैगन 660 के साथ एंड आपको इसमें मिलेगी 4GB की रैम, 32GB की स्टोरेज, जिसे आप 256GB तक एक्सपैंड कर पाओगे क्योंकि आपको इसमें मिलेगा ट्रिपल स्लॉट, तो आप दो सिम कार्ड और एक SD कार्ड साथ में यूज कर पाओगे। वेरिएंट्स के बारे में अभी कुछ न्यूज़ नहीं मिली है, लाइक कितने वेरिएंट्स होंगे, इस फोन में बस एक ही वेरिएंट्स निकल के अभी सामने आई है। और इस बार ASUS ने कैमरा में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किए हैं, सो पीछे आपको देखने को मिलेगा 13+13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा कॉम्बिनेशन विथ ऑटो फोकस, फेस डिटेक्शन और HDR मोड। यार कैमरा की स्पेसिफिकेशंस देख के तो यही लग रहा है कि कैमरा काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है। और आगे आपको देखने को मिलेगा 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा एंड आपको इसमें मिल जाएगी 5000 mAh की बैटरी एंड जैक्स भी आपको सारे मिल जाएंगे। आपको हेडफोन जैक मिल जाएगा और आपको इस बार मिल जाएगा USB टाइप सी का सपोर्ट, जो कि काफ़ी अच्छी बात है इस प्राइस रेंज के अंदर। एंड प्राइस के बारे में हम थोड़ी देर बाद में बात करेंगे। आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा और इस फोन में आपको बाकी सारे सेंसर्स भी देखने को मिल जाएंगे। ASUS ने यहाँ सेंसर और जैक के मामले में कोई भी कंजूसी नहीं की है और ये फ़ोन आउट ऑफ द बॉक्स आपको देखने को मिलेगा एंड्रॉयड ओरियो के साथ। और ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में अभी कुछ न्यूज़ निकल के नहीं आई है, लेकिन मेरे को लगता है कि ये फ़ोन भी एंड्रॉयड 1 के साथ ही आने वाला है क्योंकि जो इसका पहले वाला वर्जन था मैक्स प्रो M1 वो भी एंड्रॉयड 1 के साथ ही आया था। सो होपफुली ये भी एंड्रॉयड 1 के साथ ही लॉन्च होगा। और अगर हम इसके प्राइस के बारे में बात करें तो ये फ़ोन का प्राइस एक्सपेक्ट किया जा रहा है 16,990 और लॉन्च डेट एक्सपेक्ट किया जा रहा है 26 दिसंबर 2018। सो गाइज, ये थे सारे स्पेसिफिकेशंस ASUS ZenFone Max Pro M2 के बारे में। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए क्या ये फ़ोन Realme 2 Pro को बीट कर पाएगा और पहले की तरह एक बजट किलर बन पाएगा। और आप अपने थॉट्स भी शेयर कीजिए इस फ़ोन के बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में, लाइक आपको इस फ़ोन के बारे में क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा। तो बस आज के लिए इतना ही, आई होप आपको वीडियो पसंद आई। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी एंड मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सका तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।